मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में बढ़ते बिजली संकट से निपटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बिजली संकट से निपटने के लिए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सही दिशा में काम करने की नसीहत भी दी है, लेकिन इस बार दाव नवजोत पर उल्टा बैठता दिख रहा है। दरअसल पंजाब में जारी बिजली संकट के मुद्दे को लेकर अपनी ही कांग्रेस सरकार और पूर्व की अकाली दल की सरकार को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही अपने घर का बिजली का बिल पिछले कई महीनों से नहीं भर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 9 महीने से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है और उन पर कुल मिलाकर 8,67,540 रुपए बिजली का बिल बकाया है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू ने पावर कट के मुद्दे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा था और कहा था कि सही दिशा में काम किया जाए तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब पता लगाया गया तो खुद नवजोत सिंह की ही इस मामले में पोल खुलती नजर आई। बिजली संकट के मामले में पंजाब सरकार को घेरते हुए सिद्धू ने कहा था कि पंजाब 4.54 रुपए प्रति यूनिट की औसत लागत पर बिजली खरीद रहा है, राष्ट्रीय औसत मूल्य 3.85 रुपए है और चंडीगढ़ में 3.44 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदी जाती है। पंजाब को बिजली खरीदने के लिए 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है और 5 रुपए से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदनी पड़ती है, जो बाकी राज्यों से ज़्यादा है। इस मामले में सिद्धू ने कहा था, बादल सरकार ने 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट के साथ बिजली खरीद समझौते एग्रीमेंट साइन किए थे। इस एग्रीमेंट में गलत क्लॉज के चलते साल 2020 तक पंजाब सरकार पहले ही 5400 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है और पंजाब के लोगों के 65,000 करोड़ रुपए का भुगतान फिक्स्ड चार्ज के रूप में कर सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की थी। इससे पहले बीते बुधवार सिद्धू ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी लंबी बैठक की थी। प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा कर सिद्धू ने ट्वीट कर कहा था कि प्रियंका गांधी जी के साथ लंबी मुलाकात हुई। बता दें कि हाल के कुछ हफ्तों से सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्धू ने इस मामले में कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम भी नहीं उठाए गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर फॉलो करें।